खेलने दीजिए। आओ बेटा आओ। शाबाश। ओहो हो, ये खाओगे? ओहो अच्छा ठीक है। ये खाओ। अच्छा क्या नाम है आपका? क्या? ये कह रहा है शंकर हुसैन। शंकर हुसैन जी। ये मेरी पत्नी है, इनका नाम कुसुम है, मेरा अजय शंकर, और ये हमारा बच्चा है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है जी। तो सुनिए, 23-24 बरस पहले एक भारी सैलाब आया था। किसी बस्ती का निशान नहीं है। अब नाव लौटा लें डॉक्टर साहब। हाँ लौटा लो भाई। ओह ओह कयामत देने आंखों से शायद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। वो देखो क्या है। काटा फेंको। नाम क्या है बेटा? हुसैन। अच्छा तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? अब्बा। अब्बा तुम्हारा घर कहाँ है? वहाँ। मालूम होता है किसी शिया मुसलमान का बच्चा है डॉक्टर साहब, ये मन्नत का कड़ा है। सुल्तान खां, सुल्तान खां, डॉक्टर साहब आप आधा वर्ष? आधा वर्ष भाई, ये मुसलमान बच्चा सैलाब में मेरे हाथ लग गया था। ये मुसलमानों की अमानत है, मैंने सोचा किसी मुसलमान के हाथ सौंप दूं, और तुम्हारे यहां चूंकि बाल बच्चे नहीं हैं, इसलिए तुम इसे बड़ी खुशी से पाल लोगे और सवाब अलग कमाओगे। देखो कितना खूबसूरत बच्चा है। जी हाँ बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। काश ये खुदा की रहमत अगर आज सुबह मुझ गुनहगार पर नाजिल हो जाती तो मैं कितना खुश नसीब होता, मगर मुझ नाहिंजार की किस्मत में ऐसे सवाब कहाँ। वो डाइन यानी मेरी घरवाली, वो नहीं मानेगी,
वो आज शाम को भोले शाह के मजार पर चिल्ला बांध कर आई है कि उसके कोख से औलाद पैदा हो। मैंने बहुत समझाया कि नेक बख्त, अगर बच्चा नहीं होता तो क्या जबरदस्ती है, किसी और का लेकर पाल लेंगे, मगर तिर गया हट। अब बताइए। हाँ, ऐसा कीजिए, वो इकराम हुसैन है ना, उनसे कहिए। उनके यहां तुम्हें हो आया हूं। ओहो, वो नहीं माना होगा खबीस, तो फिर क्यों ना ऐसे यतीम खाने में दाखिल कर दिया जाए, वो बेहतरीन यतीम खाना है। क्या नाम है उसका, यतीम खाना खैरुल मुस्लिमीन, वो जामा मस्जिद के बराबर ही तो है। की क्या खड़ी हो, जाओ बचाओ से, नहीं तो सब सबसे नाराज हो जाएगा। हाँ चलो संभल के जरा, हरे राम के। हाँ अरे तू यहाँ क्या खड़ी है, तू बैठ यहाँ। हरे राम जपती रहती हो पर कहती नहीं कभी के भैया। वो खड़े सुन रहे हैं। मैं भी यही तो कह रहा हूँ कि अरे भाई हम जन्म से ब्राह्मण हैं, जब हम जन्म से ब्राह्मण हैं तो कर्म से भी। ना चुके बस आ जाओ बेटा। पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये आपकी नजर खैर के बोला, खुदा आपको मुबारक करे। एक अर्ज भी है मौलवी साहब, इसका जिस्म मेरे पास अमानत है और इसका ईमान आपके पास। कुरान शरीफ आप बातरजुमा पढ़ाइएगा इसे। भाई वाह, आप जैसा चाहते हैं इंशाल्लाह वैसा ही होगा। अरे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या मायने खड़े हैं? अरे जिसने गड़े हैं उसे शिक्षा दो कि ये क्या ढकोसला है। क्या करती है दीदी, तुम्हें चलना है कि नहीं? ओहो चलो। अरे चलो, तुम्हारी मुक्ति का रास्ता इधर से नहीं उधर से है। आए, और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ चलो। अरे चलो, अब यहाँ नहीं रहना है, किसी कीमत पर नहीं रहना है। अगर अब कोई रोकना भी चाहे तो मैं रुकने वाला नहीं। हाँ अरे ओ भाग्यवान, कहाँ लिए जा रही हो इसे, लाओ इधर। ले शंकर संभाल, थाने में रबड़ लिखवा देंगे कि उनकी बेटी को चुरा ले गए दुश्मन, समझी? चलो। रोनी 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 इसे क्या हो गया? अच्छा लेटा दो इसे। कैसे लेटा दो, ये तो मेरे कलेजे में दसा जा रहा है। अच्छा मैं दवा लेके आता हूँ। नहीं मैं तुम्हारा पिताजी नहीं, पापा हूँ बेटा। डॉक्टर साहब बस। हम कहाँ जा रहे पापा? हम तो स्कूल जा रहे हैं जहाँ अजय पढ़ रहा है। हाँ। मैं पढ़ के शायद पढ़ूंगा। हमारा वो पाए
हेलो डॉक्टर, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं इस बच्चे के एडमिशन चाहता हूँ। अच्छा ये। बच्चे का नाम? इनाम हुसैन। नाम हुसैन। बाप का नाम? उदय शंकर। उदय शंकर, बहुत खूब। अब आप इसे यही क्लास में छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, चलो बेटा। अजय, अजय देखो, स्कूल के बाद हुसैन को उंगली पकड़ के घर ले आना। हा? अच्छा जाओ। फोड़ दो। अच्छा। हाँ परवाह नहीं, मैं तो लिपटूंगा। ओह अच्छा, देख मैं क्या करती हूँ। क्या? अरे मेरी फुफ्फू, मेरी फुफ्फू। छोड़ वो वनवासी राक्षस, अरे मेरी पसलियां तोड़े दे रहा है रे। मर जाऊंगी तो किसे छुएगा नसीब उजले, किसे रोएगा। हरे रामा हरे रामा राम रामो हरे हरे, हरे रामा राम रामो हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तुम तो देखते ही हो भगवान, वो कितना बेबस कर देता है, छोड़ता ही नहीं रास्ता। मैं क्या करूं, तुम क्षमा कर दो, तुम्हारा ही तो भेजा हुआ है। धोमन, अनारकली तेरी इन आंसुओं में मुगले आजम की बादशाही तो क्या, सारी खुदाई पिघल जाएगी। आगे क्या था? और तेरा ये सलीम। हाँ हाँ, और तेरा ये सलीम, तेरा साहिब आलम तेरे आंसुओं में डूब जाएगा। सलीम मेरे साहिब आलम, अनारकली। ओ धोमन, ये कौन गुस्ताख है? अकबर है। साहिब आलम, जरा आप अंदर तशरीफ लाएंगे? ठहरो, हम अभी आते हैं। आप सब लोग रिहर्सल कीजिए, हम अभी तशरीफ लाते हैं। उधर नहीं, इधर। हाँ। अरे कहाँ चली गई, सुनो तो। बाबूजी, बाबूजी, देखिए भाईजान मेरी इंसल्ट करते हैं। क्यों इंसल्ट कर रहे हैं? आप ही पूछिए। अच्छा अच्छा, हुसैन जरा गुस्से से पूछिए ना। हुसैन। जी बाबा। क्यों इंसल्ट कर रहे हो इसकी? इंसल्ट बाबा, मैंने बिल्कुल नहीं की। कैसे नहीं की? आप मेरी सहेलियों के सामने मुझे धोबन धोबन कहते फिरते हैं। ये तो वाकई कुछ ज्यादती है बाबा।
इसने मेरे कमरे की हर चीज उलट पुलट करके रख दी, आपको मालूम है, और मेरा कोट जो था वो। वाह 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 वाह, आप खुद ही बिखेरते फिरते हैं। अगर मैं तुम्हारी हर चीज संभाल कर ना रखूं तो एक चीज भी ना मिले तुम्हें। जो ये रोज आप ठाट बाट करके बाहर जाते हैं, मैं ही इस तरीके करके रखती हूँ। मगर जनाब, वो मेरी चार खाने वाली टाई का क्या हुआ? मुझे क्या मालूम, मैं खा गई। नहीं खाई तो कहाँ गई? कोई चूहा ले गया होगा। चूहा? यानी आजकल चूहे भी टाइयां बांधने लगे हैं क्या? क्यों नहीं, एक चूहा तो रोज ही मैं देखती हूँ। देखिए ना बाबा, कितनी बदतमीजी कर रही है। नहीं भैया, बदतमीजी मत करो। बाबूजी, देखिए मुझे चिढ़ा रहे हैं। बाबूजी आप इन्हें कुछ डांटिए, अगर आप डांटेंगे नहीं तो ये सुधरेंगे कैसे? हाँ हाँ जरूर। हुसैन जी बाबा, तुम अपनी बहन के इंसल्ट उसकी सहेलियों के सामने मत करना, समझे? अच्छा आप तुम लोग जाओ, मरीजों के आने का वक्त हो गया। अरे किसका तार है? भाईजान का। क्या लिखा है? बाबा भाईजान का तारा है, देखिए देखिए। कल बाबा मैं भाईजान को लेने जाऊँ ना सोहागपुर, देखिए 11 बजे आज रात का स्टीमर पकड़ कर 12 बजे कल वहाँ पहुँच जाऊंगा। 6 बजे गाड़ी आती है, 9 बजे के फिर स्टीमर पर बैठकर परसों 10 बजे आल भी है। ओके अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। एक फोटोग्राफर का इंतजाम जरूर करिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलकर तैयारी करता हूँ, इसका नहीं खींचेंगे। जरा हटो, मैं तुम्हें ठीक से देख तो लूं। अरे तुम्हारा तो शेप भी निकला है, वाह तुम तो पूरे जवान हो गए। पुलिस सामान लाओ, चल बे। एक बार तो ऐसा अटैक हुआ कि हम सबके होश उड़ गए। मैंने बाबा से कहा मैं भाईजान को केबल कर देता हूँ। तो किया क्यों नहीं? कहने लगे नहीं नहीं भाईजान परेशान हो जाएंगे। खैर मैं उन्हें इलाज के लिए कलकत्ते ले गया और वहीं फूफी अम्मा की बत्ती सी बनवाई। भाईजान एकदम पोपली हो गई थी। रियली पहले पहले तो बत्ती सी लगा के बहुत झेपी और पल्लू से मुंह छिपाए घूमती रही, सच्ची। और भाईजान एक दिन तो बहुत मजा आया। क्या हुआ कि फूफी अम्मा पूजा के लिए जा रही थी और मैंने उन्हें पकड़ लिया, और जब उन्होंने मुझे कोसने के लिए अपना मुंह खोला ना तो तो उनकी बत्ती पूरी बाहर आ गई। रैली। और अब तो खैर वो आदी हो गई है। और भाईजान वो अपनी धोबन है ना, धोबन उसका स्कूल में ड्रामा था तो अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी तो
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या नाम तुम्हारा? हुसैन। भाई आपको नमाज पढ़ते देखकर जहाँ खुशी हुई वहीं हैरत भी हुई। क्या नाम तुम्हारा? जी हुसैन। मैं ये कह रहा था कि नमाज तो आजकल के नौजवानों के प्रोग्राम में ही दाखिल नहीं है और आप नमाज पढ़ रहे हैं वो भी फजर की। वाह सुभान अल्लाह। जी कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? सुहाना। सुहाना बहुत खूब। हम भी तो वहीं जा रहे हैं। तो क्या आपका दौलत खाना सुहाना है? अजी नहीं अपना न तो दौलत खाना है न गरीब खाना है। बरसों से इसी स्टीमर कंपनी में मल्लाह के तौर पर मुलाजिम रहा हूँ और अब तो बस यही स्टीमर हमारा घर है, हमारा वतन है, हमारी ही दुनिया है। हाँ अब जाके पहली बार ड्यूटी बदली है तो आप ही के शहर के घाट पर गोदाम मास्टर बन के जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपका इसमें इनाम हुसैन। इनाम हुसैन माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। मगर शेख सैयद मिर्जा वगैरह कुछ तो होगा साथ में? जी नहीं सिर्फ इनाम हुसैन। वाह ये कैसे हो सकता है कि क्या नाम आदमी सिर्फ आदमी हो शेख सैयद वगैरह कुछ भी ना हो। खैर आपके छिपाने से क्या होता है ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। आपकी पेशानी का नूर साफ बता रहा है कि वल्लाह आप सैयद हैं। मिलाइए। जी तो जनाब सैयद इनाम हुसैन साहब आपसे मिलकर दुगनी खुशी हुई। पूछे क्यों? यूं कि नाचीज भी एक गरीब सैयद है और इस हकीर को मीर इरशाद हुसैन कहते हैं। अब्बा जी चाय तैयार है। आया बेटी आप चाय तो पीते ही होंगे। जी हाँ मगर आप जहमत ना कीजिए। अजी जहमत की क्या बात है आप तो तकल्लुफ करते हैं। अभी आया। बेटी दो प्याले हो जाएंगे? दो? दूसरी तो नहीं है। तो फिर भुखार लेना की भी आ रहे हैं? मगर क्यों ये है तो सही। ये एक साहब हैं उनके लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा समझ गई आप फिर किसी के खातिर कर बैठे होंगे। फिर भी बेटी पुकार लेना है। लीजिए जनाब चाय पी लीजिए। ओहो ये जहमत क्यों की आपने और मैं तो चाय का कोई खास आदी नहीं। ये चाय तो आपको पीना ही पड़ेगी। और आप? मैं पी चुका हूँ ये तो फकत आपके लिए है। पीजिए ना ठंडी हो जाएगी। चाय का मजा तो गरम गरम का है। ये सुबह का सुहाना वक्त और नदी की ठंडी ठंडी हवाएं ऐसे में तो गरम चाय खुदा की नेमत है। जी हाँ इसमें क्या शक है? शक्कर वगैरह तो सब ठीक है ना? वाकई मीर साहब इस चाय ने तो इस वक्त आबे हयात का मजा दे दिया है। रात भर की पूरी थकन दूर हो गई है। क्या आप रात में सोए नहीं? जी हाँ रात में मेरे साथ एक अजीब मौजजा पेश आया। मौजजा? वो क्या? रात के कोई 11 बजे थे। हाँ। और चारों तरफ सन्नाटा था। अच्छा और कहीं से अचानक किसी की मर्सिया पढ़ने की दर्दनाक आवाज आने लगी और वो ऐसे जैसे कोई नजदीक से। अरे वो तो मेरी बेटी मर्सिया पढ़ रही थी। मैंने खुद ही उसे सिखाया है। पूछे क्यों? वो यूं कि एक तो उसकी आवाज बड़ी दर्दनाक है जी। और दूसरे मुझे खुद बड़ा शौक है। ये ले जा आपका मकान आ गया मेरे साहब। चल मैं सामान उतार जल्दी। गड़बड़ करता है लाया पोटली मेरे हाथ में जाए। हाँ जरा समझ के चलना बिटिया। हाँ ऊंची सीढ़ी है। हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है संभाल के चलो बीमारों के। चल चल रहा जल्दी चल। माशाल्लाह ये तो बड़ा हवादार मकान है मेरे साहब।
हाँ भाई, बड़ी मुद्दत के बाद मकान मिला है रहने को, क्या नाम तुम्हारा? साजिद अली। अच्छा अच्छा अच्छा, लो भाई अपना किराया लो। अरे इसकी क्या जरूरत है मेरे साहब? अरे रहने दो, रहने। अच्छी बात है, मैं चलूँ, खुदा हाफिज। हाँ खुदा। नया मकान है, किसी चीज की जरूरत हो तो बुलवा लीजिएगा। हाँ शुक्रिया। बेटी को दाम वाम दे दो, बाजार हुआ हूँ। कितने? यही कोई 60-70 रुपए। पलंग वलंग बर्तन वर्तन सब लाने होंगे, हैं? अब्बा जी, वो ईंधन और झाड़ू लाना ना भूलेगा। ईंधन और झाड़ू? जी ईंधन और झाड़ू। हाँ ईंधन और झाड़ू। थोड़ी सी सेवैया खा लीजिए, हम मुसाफिरों की भी ईद हो जाएगी। तो तकल्लुफ कर रहे हैं? अरे तकल्लुफ क्या, ये तो राहत होगी। आ जा मत, चलिए। बिटिया जरा पर्दे में हो जाओ। आई आई तो शिव लाई जी। क्या नाम तुम्हारा? मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि डॉक्टर साहब वाकई बड़े खुशनसीब हैं कि आप जैसे लायक बेटे की बात है। ये तो आपकी शफकत है। नहीं, ये हकीकत है। आप एक बाप के लिए काबिल फख्र बेटे हैं। जी हाँ, आप तशरीफ। शुक्रिया। कुसुम मियाँ, अब जरा सेवैया निकाल दो इनके लिए। हेलो भाई, पर्दा हो गया। बैठिए बैठिए। ओहो जीते गई। बस बस मीर साहब, आप तो खातिर की हद किए दे रहे हैं बस, और मैं तो आपके औलाद की जगह हूँ। बेशक बेशक, मगर ये खातिर कब हुई? लीजिए लीजिए, नौ शर्माइए। हमारी राय में, अरे क्या नाम तुम्हारा, कुलसुम मियाँ सिर्फ सिवैया मजा नहीं देंगी, अगर इसके साथ गाजर का हलवा भी। मीर साहब, हलवा रहने दीजिए, मुझे बिल्कुल मना है। मना है? क्यों क्यों? ये क्यों जी? वो मुझे खांसी की शिकायत है और उसमें गाजर का परहेज है। ओहो, ये बात है तो मैं इशार नहीं करूंगा, मगर ये तो और लीजिए, सेहत पहले फिर कुछ और। मिर्जा गालिब फरमा गए हैं, तंग दस्ती अगर न हो गालिब। क्या बाजी, आप भी बिना सोचे समझे खातिर करते थे। मेरी क्या करूं, जुबान से निकल गया। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। बेशक, ये हले वाली बात होगी जरूर, हैं? आप वादा कीजिए। जी हाँ जरूर, लेकिन एक दरख्वास्त मेरी भी है।
हाँ फरमाइए। हमारे यहाँ हर साल ईद की रात को एक महफिल होती है जिसमें चार बैतों का मुकाबला होता है। अगर मुजायका ना हो तो आप लोग जरूर तशरीफ लाइएगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन ये चार बैत क्या चीज है? यानी कव्वाली? जी नहीं, कव्वाली नहीं, ये कव्वाली से अलग रंग की एक चीज है। अच्छा? जी हाँ, और आपको खास तौर से पसंद आएगी। जी बहुत खूब, हाजिर हो जाएंगे। अच्छा तो अब इजाजत दीजिए मुझे, खुदा हाफिज। जीते रहो। सर का वो पर्दा दर सर का, लो ही गया कोई, लो ही गया कोई, हे यार, लो ही गया कोई, लो ही गया कोई, लो ही गया कोई, लो चार हुई आंखें, तर तर चार हुई आंखें, अच्छा उन्हें देखा है, जो नशे में चूर रहे सदा उसे तेरी हाल का क्या पता, रहा यूं दिल का मामला मगर उसकी कोई नहीं खता, तेरी आंख का ये कसूर है, तेरी आंख का ये कसूर है, देखा है ख्वाब भी लाजवाब, देखा है कोई ताबीर इसकी बतलाओ, रात को आफताब देखा है, यानी जिंदा शराब देखोगे, यानी जिंदा शराब देखोगे, हुस्न को बेनकाब देखोगे, हुस्न को बेनकाब देखोगे, रात को आफताब देखा है, सुबह को महताब देखोगे, सुबह को महताब देखोगे, चांदनी में उठी घटा जैसे
दीवाना, तुम हकीकत को समझे अफसाना, चांदनी उसका रंग जुल्फ घटा और आंखें हैं बाबे मैं खाने में पहुंची तो अजय जी पिताजी जरा पान लो बेटा, मैं ले आता हूँ, आप बैठिए भाईजान। झुका भी ले अगर तो बैठ जाना मना है, बैठ भी जाए किसी कोने में तो क्या फायदा, जिस तरफ वो हो उधर नजरें उठाना मना है, और अगर नजरें उठे तो दर्द दिल को क्या करे रे, दर्द दिल को क्या करे, दर्द दिल कैसे मिटे आंसू बहाना मना है, शोर करना गुल मचाना मना है, अरे गुल मचाया भी तो मतलब किस तरह समझेंगे वो रे, किस तरह समझेंगे वो, और मतलब साफ साफ उनको बताना मना है, और अगर मतलब बताया भी तो वो देंगे जवाब, दिल लगाया इलायची तो तुमने दी नहीं, दिल लगाया कितने मतलब बताया कि आप बताएं, दिल लगाया तुमने क्यों जब दिल लगाना मना है, हमारे यहाँ आइए, जरूर आऊंगी, कब आएंगे? जब आप बुलाएंगी। यह है हमारी बुआ जी। आदाब। जीती रहो बेटी, बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी कुलसुम। कुसुम? बुआ जी कुसुम नहीं, कुलसुम। अच्छा कुलसुम। इजाजत दीजिए। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। जरा नवाजी है आपकी, खुदा बहुत खुशी हुई आपकी जियारत से और बहुत अचीत हो गई है। क्या नाम है मियाँ, जरा उसे बुला दीजिए। जी अभी बुलाता हूँ। बेटी आई हुई है। ओफो भाईजान आप फिर आ गए। यानी कि मैं अब क्या नाम तुम्हारा सठियाने लगा हूं। पूछिए क्यों? यूं कि बात बिल्कुल साफ थी मगर क्या नाम समझ में नहीं आ रही थी, और मैं सारा वक्त बैठा बैठा यही सोचता रहा कि मामला क्या है। क्या नाम तुम्हारा? कुलसुम। अरे वो नहीं, वो हुसैन अपना, वो डॉक्टर साहब को बाबा कह रहा था, ठीक, और फिर एक और लड़के ने उन्हें पिताजी कहा और मैं वही उलझ गया। अरे ये कैसे मुमकिन है कि एक ही शख्स जब एक लड़के का बाबा है तो दूसरे का पिताजी कैसे? लाहौल वाला कुवत, ये क्या चक्कर है? इसी फिक्र ने क्या नाम तुम्हारा चार बैत का सारा मजा खिरखिरा कर दिया, मगर बात बिल्कुल साफ। यानी डॉक्टर साहब के कोई गहरे दोस्त होंगे, वो हिंदू होंगे, उनका कोई और नहीं होगा,
वो जब इंतकाल करने लगे होंगे तो उन्होंने अपने बेटे का हाथ डॉक्टर साहब के हाथ में देते हुए डॉक्टर साहब से कहा होगा कि तुम इसे भी अपनी ही औलाद की तरह रखना, और बेटे से कहा होगा कि बेटा तुम डॉक्टर साहब को अपना पिता ही समझना, और वो समझने लगा होगा, और इसी बात पर मैं एक बीड़ी पीऊंगा। अब्बा जी। जी बेटी। बात उल्टी है। उल्टी है? जी। उल्टी कैसे? डॉक्टर साहब हिंदू हैं। हिंदू हैं? जी। हाँ हाँ। मैं बिल्कुल ही सटिया गया। हाँ, लेकिन ये तमाम चीजें सिर्फ बड़े शहरों में हैं, और उसका फायदा सिर्फ अमीर लोग ही उठाते हैं। हमारे गांव और कस्बों के लोगों तक ये चीजें कहाँ पहुंची हैं? और अगर कोशिश भी की जाए तो इस किस्म की एड पहुंचने से पहले ही मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे। यही हमारी बदनसीबी है कि हमारा देश गरीब है। That's right. भाईजान, आप तो फॉरन रिटर्न हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। बाबा का हार्ट ट्रांसप्लांट करके ठीक कर दीजिए। भाई, ये बड़ा खतरनाक ऑपरेशन है। इस छोटे से कस्बे में जैसे ऑपरेशन के लिए किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है। हुसैन, ये तुम्हारी उंगली थामने की आदत अभी तक है? हुसैन, जल्दी सवारी लेकर। It's a massive infarct, doctor. Yeah. Prepare an intravenous pethidine. Yeah. We shall give him the injection immediately. Hussain, इसे बाहर ले जाओ। Bravely. Thank you so much, doctor. It's all right. रूठे हुए को जो मेरा छोटा भाई है। अरे कोई हरी को बुलाओ। जी मैं जाता हूं। बुआ जी। चाचा जान बाबा जा रहे हैं। क्या? चलिए उन्हें आखिरी बार देख लीजिए।
इलाई जी। पढ़िए। ननके उदय शंकर, वल्दे विजय शंकर, साकिन कस्बा सुहाना, ये मेरी वसीयत है जिसमें मैंने अपनी जाती जायदाद को अजय शंकर और इनाम हुसैन बराबर बांट दिया है। अजय जी, तुम्हें कुछ कहना तो नहीं? नहीं पिताजी। छोटा भाई, जिसे अब तक तुम्हारी उंगली थाम लेने की आदत है, हुसैन। जी बाबा। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, अजय। जी बाबा। और ये मेरी बेटी कमलेश, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी धोवन है। और ये मेरी बहन गोमती, तुम्हारी फूफी अम्मा, जिसकी ममता अपने भगवान से भी झूठ मूठ के बहाने कर करके तुम्हें प्यार करती रही है। ये लो हुसैन, एहसान है। तुम लोगों ने मेरी बात बहुत निभाई। अजय, क्या हुआ अजय? क्या हुआ अजय? बाबूजी, बाबूजी! हुसैन, ये क्या किया तू? मैंने वो वसीयत चला दी। क्यों? बाबा क्या मर गए? नहीं, क्या हुआ? क्या बात है? आप चलकर उन्हें पीटिए। किन्हें? जिन लोगों ने मुझे छेड़ा है। किसने छेड़ा है तुझे? वो हैं दो तीन लड़के कॉलेज के कमीने। चल तू मेरे साथ चल। हुँ?
मम्मी ने। क्या बात है? इसके पांव चूम। जगदीश देखो जी, तुम्हारा वो रास्ता है सीधे ना किसी चले जाओ वरना चलदम मच्छर। जनेंद्र जी भजन माफ कर दीजिए इसे। बहन जी माफ करो। चल उठ, चल उठ, चल बाय। सोच में थी, कब आई आप? अभी आई हूं। कौन है वहां? कोई भी नहीं। अरे ये लीजिए, आराम से बैठिए। कितना गिर गया? वो तो गिर ही गया, मगर कितना खूबसूरत मुस्कुराती हैं आप। हाँ हाँ हंसिए हंसिए। जाइए, आप भी अजीब हैं। कहिए क्या खातिर करूं आपकी? खातिर मत कीजिए, एक काम कर दीजिए। क्या? हमारे वो भाईजान है ना जो स्टीमर में आपके साथ थे, वो आज बीए का इम्तिहान देने जा रहे हैं। आपसे इमामबाड़े में छिल्ला बनवाना है। हम बांध देंगे। आप अब्बा जी से इजाजत ले लीजिए। कहाँ है अब्बा जी? बाहर है। अब्बा जी? जी बेटी, आया जरा ठहर जाओ। ये आई है। आने दो। ये आई है डॉक्टर साहब की बेटी। अच्छा। नमस्ते। चित्रो बेटी, खैरियत? जी इमामबाड़े में कुलसुम से चिल्ला बंधवाना है। भाईजान का इम्तिहान है। अच्छा। तो हम ले जाए इन्हें? हाँ हाँ ले जाओ। क्या नाम तुम्हारा? सब आपका काम है। थैंक यू चाचा जी, चलिए। लेकिन साथ ही आके छोड़ भी जाना बेटी। अच्छा जी। भगवान के दूसरे कान में बात कर लें। कभी कभी वो इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। चलें? चलिए। आपने कभी मंदिर देखा है? जी नहीं। आओ चले।
ही रहा हूं। कौन हो बेटी? जरा किसी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे मुझे सांप ने डस लिया है। मैं तो किसी को भी नहीं जानती। कहाँ जाऊं? इस मंदिर के पीछे सड़क है, उस पर जाओगी तो आगे चलकर एक गली मिलेगी। उस गली में पहले ही जो बड़ा सा मकान है वो डॉक्टर का है। बेटी जरा जल्दी डॉक्टर को बुलाना। किसी को सांप ने काटा है। ओह, अभी चलता हूं। जी आदाब। जीती रहो बेटी, आज कुछ देर कर दी है। जी एक अजीब ख्वाब हमने देखा। क्या ख्वाब देखा? एक बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा मंदिर है और हम मंदिर? हाँ,
का मंदिर, मंदिर तो सामने है, वही ख्वाब में देखा होगा। वो चूंकि उठते बैठते यहाँ से नजर आता है ना, क्या नाम तुम्हारा, वही ख्वाब में आ गया होगा। ये झूठा ख्वाब था। अपनी आप रातों में
डॉक्टर साहब आप जी यहाँ खड़ी हैं? मंदिर आई थी। कैसे बारिश हो रही है? जी हाँ, घटाओं ने सोचा है चलो सारा ही सावन बरसा के निबट जाए आज की रात। इस तरह तो आप बहुत भीग जाएंगी और बीमार पड़ जाएंगी। तो आप आ जाएंगे इलाज के लिए? डॉक्टर साहब आप बिजली से डरते हैं? नहीं तो। बहुत जोर जोर से धड़क रहा है दिल आपका। हाँ मगर बिजली से नहीं, किसी और वजह से। अच्छा मैं चलती हूँ। सुमिया जी आदाब। जीती रहो बेटी, देखो सब क्या हो गया है। अंदर कोठरी की भी ये हालत है। है? ओ। कहां से आ गया इतना कुछ का? वो देखो रात के मेह की कार्रवाई। कड़ी भी तो चिढ़क गई, बड़ा भारी में बरसा होगा। हाँ बड़ा भारी। बैठा मैं कर लूंगा। नहीं आप अकेले इतना पानी निकालेंगे? हाँ क्यों नहीं। अब्बा जी। हाँ? एक बात कहूँ आप नाराज तो नहीं होंगे? हाँ कहो। मुझे बार बार वैसे ख्वाब आते हैं कि एक मंदिर है। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसे ख्वाब कभी नहीं देखूंगी। बेटी तू जान के थोड़ी देखती है, है?
खूबसूरत
तुझे अपने ख्वाबों के बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी उसी नींद में कसम कर तराने से थकी गिराती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी बेटी। अब्बा जी आदाब। जीती रहो बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है? हैं? देखो, अरे तैयार, तुम तो बुखार से जल रही हो। कितना तेज बुखार है, कब से? बेटी। अब्बा जी, अब मैं वो ख्वाब नहीं देखती। हाँ, मगर ये क्या हाल कर दिया तुमने राहते जान? करता हूं मीर साहब। जी चलो। क्या बात है मीर साहब, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ परेशान तो हूं। खैरियत? कुछ मियां बहुत सख्त बीमार है, एक रात से बीमार है, सख्त बुखार है। तो किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? वक्त ही नहीं मिला, सुबह से तो यहाँ ड्यूटी पे हूँ। तो ये खिड़की खोल दीजिए। जी दीजिए, लाइए। तो ये खिड़की खोल दीजिए। जी। दीजिए, लाइए। बेटी, सर से मुझे लाइए। जरा बैग देना। ये बुखार कब से है? इतना तेज तो रात से है। पसीना आता है? बहुत ठंडा ठंडा, बदन सुन्न हो जाता है। दिल धड़कने लगता होगा? जी, डूबने से लगता है। नींद आती है या नहीं? नींद? जी। रात में नहीं। कब से? कई रातों से। आज रात आपको नींद आ जाएगी। खुदा ना खास्ता। जी नहीं, खुदा ना खास्ता कुछ नहीं, मैं इंजेक्शन देता हूं। जरा हाथ बाहर निकालिएगा। दीवार एक दिन जरूर गिर कर रहेगी। पास हो गया मैं, पास हो गया तू। शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे भाई।
लाइए मेरे 100 रुपया। मोटी चिकनी पुकनी। बाबा मैं पीए के इम्तिहान में पास हो गया, आप खुश हैं ना बाबा? कोई बताने वाला ही नहीं कि मैं कब पैदा हुआ, और क्या नाम ये कि अब मेरी उम्र क्या है। हाँ, सन 40 की जो बड़ी जंग हुई उस वक्त मैं कोई 20 वर्ष का हूंगा। 20 क्यों, 30 वर्ष का हूंगा, तो इस हिसाब से अब मैं हो गया हूंगा कोई 65 वर्ष का। 65 और 70 और 75 में फर्क ही क्या है। अब्बा जी आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं, मैं क्या नाम अपनी उम्र का हिसाब लगा रहा था। किसी को बताना है क्या? नहीं किसी को नहीं। एक फिक्र सी है भाई, आ जाओ, अब आ जाओ, भरोसा नहीं ये बुलावा कब आएगा, तो अब हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि तो क्या नाम तुम्हारा फिक्र यही है कि भला सा कोई लड़का मिल जाए तो मैं बेटी के हाथ पे ले कर दूं, फिर इत्मीनान से कह दूंगा कि हाँ जी अब बुला लो मैं हाजिर हूं, एक लड़का मौजूद भी है, नेक, इंतहाई नेक, शरीफ, बेहद मिलनसार, खुश मिजाज, और नाम, नाम तो कितना दिलकश, इन आम हुसैन। जब भी मिलता है जी में आता है गले लगा लूं उसे, मगर खुद कैसे अपना ख्याल जाहिर करूं। भूपिया मां, भूपिया मां, ओहो आप यहां सो रही हैं और मैं कब से सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूं। क्यों चीख रहा है, क्या बात है? क्या बात है, अरे आपको मालूम नहीं वो धोबन की आ रही है? आ रही है? हाँ? कौन आ रही है? अरे भाई सालगिरह अपनी धोबन की। ओ कब आ रही है? ये लीजिए, पूछ रही कब आ रही है। तो वो अभी कहाँ आ रही है? वो तो कोई 7 महीने बाद आएगी, फागुन में। वो कभी भी आ रही हो मगर आ तो रही है ना। तो मुझे 195 रुपए चाहिए। 195? क्यों? क्योंकि मुझे उसको साइकिल दिलाना है, अपनी प्यारी सी भिन्नो को इस बार मैं तोहफे में एक साइकिल देना चाहता हूँ। साइकिल? जी हाँ, बढ़िया रैले साइकिल जो 199 रुपए की आती है, और 4 रुपए मेरे पास हैं, देखिए सिर्फ 195 रुपए की कमी है। पिछली बार पता मैंने उसको एक चप्पल दी थी, बेचारी चिढ़ गई थी और मुझे बहुत रंज हुआ। तू कुछ मामला हो गया है क्या? आप तो नींद में फूफी, समझती नहीं, आप मुझे 195 रुपए दीजिए फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? आप जरा यहाँ तो आइए, आइए ना। क्या बात है? बात? क्या? आपको मुझसे क्या काम है? काम? हाँ। क्या काम हो सकता मुझे? तो फिर मेरी इतनी जोरदार खुशामत क्यों की जा रही है? खुशामत? अरे अपनी छोटी बहन के लिए साइकिल लाने के लिए खुशामत कहते हैं? क्या मेरा जी नहीं चाहता कि मेरी इकलौती भिन्नू जो स्कूल की फटीचर बस में बैठकर जाती है एक आलीशान साइकिल में बैठकर जाए? हाँ हाँ हाँ, आप इत्मीनान रखिए, मैं बुआ जी को मना लूंगी। 195 रुपए के लिए? तो
कुलसुम से आपके रिश्ते की बात पक्की करने के लिए मैं उन्हें राजी कर लूंगी। बहुत शरीर हो गई हाँ। आपने अभी तक ये भी नहीं बताया कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं। बताइए ना। आइए। अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरे बीवी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मगर इस वक्त तो डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आप जरूर चलिए मेरे साथ। तो देखिए बहुत अच्छी लगेंगी, मगर हमें तो बांधने ही नहीं आती। मैं बांध दूंगी। अच्छा आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बता तो सही क्या बात है। ओफो बुआ जी, आप चलिए तो सही। बैठिए। बुआ जी ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है, इन्हें आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद? क्यों, क्या बात है? इनकी मंगनी होने वाली है। अच्छा। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि इन्हें घर भी अच्छा मिले और वर भी। हाँ हाँ, भगवान ऐसा ही करेगा। देखिए कितनी मोहनी मूरत है, है ना? किसकी बच्ची है, क्या नाम है? ये मीर साहब की बेटी है, कुलसुम। कैसी लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो फिर बुआ जी आपके आशीर्वाद से ये भाईजान के लिए कैसी रहेंगी? हुसैन के लिए? जी। पहले शंकर को तो पूछ लें। उनसे तो पूछ ही लेंगे, पहले तो आप हाँ कहिए। कहिए ना। हाँ। भिन्नो वो अपनी साइकिल लेने कब चलेगी भाई? अरे अरे भाईजान यहाँ पर्दा है, आप बाहर जाइए। जाइए ना। ओफो। और इसी साल उसने बीए पास किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चाल चलन भी बहुत अच्छा है, बहुत नेक। और चाचा जी आप तो उन्हें जानते ही हैं, कितने अच्छे हैं वो। जी जी हाँ, बहुत अच्छी तरह है। जहाँ भी आमना सामना होता है बहुत ही झुककर और बड़े अदब से सलाम करता है। आदाब मीर साहब। और दिल से दुआएं निकलती है कि जीते रहो बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? जी अजय शंकर जी। वो तो ठीक है, मैं अर्ज कर रहा था कि शरीयत का हुक्म है कि मीर साहब वो बड़ा पक्का मुसलमान भी है। जी वो तो दुरुस्त है, मैं अर्ज कर रहा था कि शरीयत का हुक्म है कि लड़की की मर्जी मालूम करना जरूरी है, और मुश्किल ये है कि
कैसे? खैर मैं किसी न किसी तरह मालूम करके दो चार दिन में आपको जवाब दे सकूंगा। अब ये फरमाइए कि खातिर क्या करूं आपकी? गाजर का हलवा तो। चाचा जी। बेटी मैं मालूम कर लूं। मैं अभी मालूम किए लेती हूँ। सुना, हम क्यों आए हैं? मैं आपकी मर्जी मालूम करने आई हूँ। हमारे भाईजान आपको पसंद है ना? लंबे तड़ंगे, गोरे चिट्टे, हसमुख और पढ़े लिखे। तो मैं चाचा जी से कह दूं कि आप राजी हैं? वो राजी है। मुबारक हो, मुबारक हो। मगर वो हलवे की बात तो बीच में रह गई। चल के चल के, चल के चल के, नया रस चल के, नया रस चल के, है प्यासे नंदलाल रे। चल के चल के, चल के चल के, नया रस चल के, है प्यासे नंदलाल रे। हलवे साहब, हलवे साहब, माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। जी मैं हुसैन हूँ। अरे भाई रुक ले, मैं भी आ रहा हूँ। लाला शंभु नारायण तहसीलदार, श्री देव की नंदन सर्राफ, हाजी शेख मोहम्मद, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, भाई उनका जरूर ख्याल रखना, बड़े सिद्धी आदमी हैं, बुरा मान जाएंगे, दादा के खास मिलने वालों में से हैं। हाँ, श्री चांद बहादुर सक्सेना, सैयद अली रजा साहब, मेर साहब ने जोड़ा लौटा दिया। क्यों? उन्होंने मंगनी तोड़ दी। अरे मगर क्यों? जाने क्यों? ठहरो, मैं जाके पूछता हूँ, चलो मेरे साथ। भाईजान आप नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं भाईजान, आप मत जाइए। आखिर बात क्या है? जो बात उन्हें बुरी लगी है उसमें उनसे किसी बहस की जरूरत नहीं। मगर उन्हें क्या बात बुरी लगी, बताओ तो सही। तुमने कोई बदतहजीबी की? जी नहीं, उन्हें मेरा होली खेलना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो ये बात थी। नहीं भाईजान, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बकोमत, तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं, आओ मेरे साथ। तू उनके सामने गया ही क्यों था? हाँ हाँ, तू वहां गया ही क्यों था हुसैन? इतना अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, नमाजी, ईद की नमाज में देखा तो कितना अच्छा लगा कि नाम, इतना खुश अखलाक के इधर से आया तुम्हें साहब सलाम, उधर से निकला तुम्हें साहब आदाब। मगर ये क्या हरकत है? यानी रंग के छींटे यूं ही उड़कर पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर इसका क्या मतलब कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, यानी कि खुद जाकर रंग में रंग जाना, भाई ये क्या नालायक है? आदाब चाचा जी, बड़े भाई साहब आए हैं। दादा। दादा? आदाब, आदाब साहब। एक मिनट बेटी, जरा पर्दे में जाओ। आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा, मैं नावास्त आ गया। आप खाना तो खाइए। ओह, फरमाइए। जी मैं गलतफहमी दूर करने आया हूँ। गलतफहमी कैसी?
क्या नाम? बात यह है कि हमारा माहौल कुछ ऐसा है कि हमारा सारा घर ईद को अपना ही त्यौहार समझकर मनाता है, तो जब होली दिवाली के त्यौहार आते हैं तो हुसैन भी उन्हें अपना ही त्यौहार समझकर उनमें शरीक हो जाता है। हाँ, हमारा इतना कसूर जरूर है कि हम उसे ऐसा करने से मना नहीं करते। आपको अगर उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई है तो आइंदा वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। नहीं, क्या नाम तुम्हारा? शंकर जी। हाँ यकीनन यकीनन, क्या नाम तुम्हारा? ये बात नहीं है, वो बात है, वो बात है, लाहौल बलाकवत, मुझे मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि क्या नाम ईद मनाई जाती है। तो फिर इसके बारे में क्या हुआ? गुजर
आखिर वही हुआ जिसका खौफ था। कुसुम, कुसुमिया, कुसुम, 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 कुसुम कहाँ गई? कुसुम, कुसुम, कुसुम कहाँ गई बेटी? ये कैसी अजीब सहनाक आंखें हैं। ये कितनी मुलायम जुल्फे हैं। ये कितने प्यारे प्यारे हाथ। ये हथेली जिसमें तुम्हारी नहीं मेरी किस्मत की लकीरें हैं। कहां से आती हो, कहां छुप जाती हो, आज तुमसे पूछना है। मीर साहब? हाँ मैं हूँ। वो फरमाइए क्या बात है? कुछ भी यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ गई? मीर साहब, मीर साहब क्या हुआ? वो नहीं है, घर में नहीं है, है? जरा मेरी मदद करो भाई, मेरे साथ चलो। आइए आइए आइए, घबराइए मत, मिल जाएगी। आइए ये मुझे दीजिए। या इलाही, घबराइए मत, रहम करना इलाही, रहम करना। जोड़ा क्यों जला दिया? अब्बा जी, आप मुझ पर शक मत कीजिए। मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं। मुझे मालूम है बेटी, मुझे मालूम है तू मासूम है, बिल्कुल मासूम है। हुसैन जी भाई, ये इतना अंधेरा क्यों है? ठहरिए मैं रोशनी करता हूं।
कहां थे तुम उस वक्त से जबकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी? तुमने तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया मुझे। कोई भी यकीन ना करे, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन आना बहुत जरूरी है कि इंसान नींद में किस तरह चलता है। यह इंसाइक्लोपीडिया मेरी बेगुनाही का सबूत है। भाईजान, मुझे यकीन है, आप पर मेरा ईमान है, तो फिर इस सबूत की क्या जरूरत है? जरूरत है, मुझे जरूरत है। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। पीछे पढ़ो प्लीज। Somnambulism or sleep walking. The condition under which people walk while asleep, apparently unconscious of external impressions, return to bed, and when they awake, have no recollection of any of these occurrences. A sleepwalker may act, speak, and have the sense of touch, sight, and hearing. Lekin, ये मैं नहीं जान सका कि वो कुसुम कौन है जो कुलसुम की नींदों के अंधेरे से निकलकर उसके ख्वाबों में चलती है। ये किस लड़की का नाम है? कुसुम। कुसुम? हाँ, अपने ख्वाबों में कुलसुम अपना नाम कुसुम बताती है। बेफिक्र रहिए हकीम साहब, देखिए थोड़ी उलझटे की बात है, थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़। बहुत गड़बड़ हो गई भाई। अम्मा हकीम साहब, ये तो बड़ी उलझटे वाली बात हो गई। अबे तू क्या उचक कर देख रहा है मेढक की औलाद? तू अपने हुकूक बस हुकता के रख। सोच क्या रही है मामू, ये ऊंट उठा के वहां रख दो। मैं ये सोच रहा हूँ तेरी बड़ी उल्टी खोपली है, इसको उठाकर वहां रख दो। अबे तुझे उठाकर चिलम पे नहीं रख दू। बेला वजह की बातें मत कर। आप फिक्र मत कीजिए हकीम साहब, मैं इंशाल्लाह एक ही चाल में 14 तबक रोशन कर दूंगा, मगर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अम्मा आशिक, ये बार बार वजू क्यों कर रहे हो? अजी रात वो ससरी मूलियां खा ली थी, बार बार वजू टूट जाता है। वल्लाह वो हमारे डॉक्टर साहब मरहूम कितने ऊंचे इंसान थे, वो उठ गए और अपने साथ अपनी शराफत भी ले गए। हाँ जी, उनकी क्या बात थी, वो तो इंसानियत की जिंदा मिसाल थे। यानी बस ये उनकी शराफत की इंतहा थी कि हमारी बहू बेटियों का उनसे पर्दा तक न था। लेकिन मैं पूछता हूँ, कोई और डॉक्टर या हकीम इस बस्ती में नहीं रहा क्यों साजिद भाई? हाँ हाँ भाई, फीस देनी होगी दे दिया करेंगे, या अगर कोई ऐसा ही बेचारा मजबूर होगा तो चंदा पड़ जाया करेगा। लेकिन अब अपनी बहू बेटियों की बेआबरूई का खतरा मोल नहीं लेंगे। आदाब जी, क्या फरमा रहे थे आप? मैं जी आप? मैं साजिद भाई से कुछ कह रहा था। वही जो आप साजिद भाई से कह रहे थे वो मुझसे कहिए, असल में तो वो आप मुझसे ही कह रहे थे। देखिए, अब आप मुझे मजबूर ही कर रहे हैं तो मैं कहे बगैर भी नहीं रह सकता। खुदा की कसम बहुत रंज हुआ है हमें, यानी हम सबको, तो साजिद भाई। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। यानी आपने डॉक्टर साहब मरहूम की इज्जत का भी कोई ख्याल? खामोश, आप लोग जिस बात का चर्चा कर रहे हैं उसे आप लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? यानी ये कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो लड़की ख्वाब में चलती है। अरे आप भी क्या जर छोड़ रहे हैं, अल्लाह को आंखों से नहीं देखा
लेकिन अकल से तो पहचाना है। सुनना भाई, कुदरत अल्लाह की, एक लड़की ख्वाब में चलकर सीधी इनकी गोद में आकर लेट जाती है और ये बेहोशी में उसका इलाज करने के लिए वहां पहुंच जाती है। मुंह संभाल के बात कीजिए खाता, वरना बत्ती से निकाल कर बात फेंक दूंगा, समझे? आए फरमाइए। फरमाइए मीर साहब, आप शहीद करबला के सलम के नीचे खड़े हैं। ये खून हुसैन के निशान हक और सच्चाई के लिए इंसानी तारीख की सबसे बड़ी शहादत है, सबसे बड़ी गवाही। बेशक। तो मीर साहब, आपको इसी अलम की कसम है, बताइए कुसुम कौन है? कुसुम जी, यानी कुलसुम। आप क्यों पूछ रहे हैं? तेरे जख्मों पर रखा हुआ फाया हट जाएगा, ये बताकर मेरी आंखों की रोशनी बुझ जाएगी, मैं अंधा हो जाऊंगा। मेरी जिंदगी के पूरब में फिर सूरज कभी नहीं निकलेगा और अंधेरा घुप हो जाएगा। मेरी ग्रह कर जाएगी, मैं बहुत गरीब हूं इनाम हुसैन, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई वतन नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, सब पानी में बह गया, मेरा घर गांव बीवी मेरा इकलौता बेटा सैलाब के अजदहे ने एक साथ ही सबको निगल लिया। फिर एक और कयामत सी आई, चारों तरफ साथ की आग भड़क उठी, लोग अपने अपने घर अपना अपना वतन छोड़कर भागने लगे, माँ बाप से औलाद, औलाद से माँ बाप, बहनों से भाई और भाइयों से बहनें बिछड़ने लगी। उसी कयामत में एक हिंदू बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ कर बिलकती मुझे, मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने बताया कुसुम। उसकी जान बचाने के लिए मैंने कुसुम के बदले उसका नाम कुलसुम रख दिया। इस तरह वो अपना पहला नाम भूल गई और मेरी कुलसुम बन गई। शहजादी बेटी
अब्बा जाने। आपने जो मुझसे फरमाया था वो इन लोगों से भी कह दीजिए। क्या क्या कहूं? यही का कुलसुम कौन है? मीर साहब, वो मेरी बेटी है, मेरी ही बेटी कुलसुम मियां। बस अब कहीं जाके डूब मरो बेशरम गद्दार। बस अब तुम भी चलो सुल्तान मियां, बेला वजह बच्चे के मुंह लग रहे हो। चलो रे तुम लोग भी चलो। ये जो मैंने अर्ज किया है ये तमाम बातें काबिले गौर हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम किबला। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए इधर। शुक्रिया। खैरियत तो है मीर साहब, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। वो मैं सुल्तान खान साहब से कुछ अर्ज करने आया हूँ। वो तो अपने मुकदमे के सिलसिले में कचहरी गए हुए हैं। लेकिन आप फरमाइए क्या क्या परेशानी है आपको? बात यह है कि मैं यहाँ एक गैर शख्स हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ कोई फितना फसाद खड़ा हो जाए। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसमें आपका क्या कसूर है? आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं, मेरे यहां से चले जाने में ही भलाई है। मैं हुसैन, मीर साहब जा रहे हैं। कहाँ? ये कस्बा छोड़ दो। कस्बा छोड़ दो? हाँ। क्यों? उनको डर है कि लोग उनकी लड़की को कहीं उनसे छीन ना ले। नहीं जा सकते हुसैन, जाने दो, झगड़ा हो जाएगा। हुसैन, मीर साहब जा रहे हैं। कहाँ? ये कस्बा छोड़ दो। कस्बा छोड़ दो? हाँ। क्यों? उनको डर है कि लोग उनकी लड़की को कहीं उनसे छीन ना ले। नहीं, वो नहीं जा सकते हुसैन, जाने दो, झगड़ा हो जाएगा। सुल्तान खान उनके हिमायती उनको अपने घेरे में लिए जा रहे हैं। आओ बेटी। आओ। कोई दंगा फसाद तो नहीं होगा? जी नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे वो हुसैन का डर लगता है, कहीं वो हमारा रास्ता न रोक दे। क्या मजाल है जो कोई आपका रास्ता रोक ले? ध्यान रखिए, आप पर कोई भी आंच नहीं आएगी। आप हिफाजत के साथ इस बस्ती से रुखसत किए जाएंगे। अच्छा भाई, आइए। आओ बेटी। चलो भाई, चलो आगे चलो। कोसती क्यों नहीं मुझे? बस बस छोड़ना, अभी नहीं, पहले कोसो। तुम्हारे कोसने से मेरी उम्र बढ़ती है। चल हट, मुझे तो बहम सा हो रहा है। हुसैन, देख तो क्या हो गया है इसे।
वो कौन खड़ा है? हुसैन है। पर वो वहां क्यों खड़ा है? मगर कुछ होगा कि नहीं? कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें, वो अकेला है। अब्बा जी गाड़ी लौट लीजिए। हम भी लौट चलते हैं जी। हैं? भैया जरा लौटा लो गाड़ी। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप पर आज तक ना आएगी। अरे वो बीच में आके खड़ा है, हमारा रास्ता रोकने वाला है शायद। हट जाएगा, ला मुझे दो। हाँ ठहर जाते हैं। हजी नहीं, वो खुद ही हट जाएगा। अब बच्चे अब गाड़ी रुक गई, वो नहीं हटेगी। भाई रोक लो गाड़ी, रोक लो। सामने से हट जाओ सर। रोको, खुदा के लिए रोको, 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 रोको। उसने से मेरी जिंदगी थी, आज आपने मुझे नहीं कोसा। देखिए क्या हो गया। ओपी माँ मुझे राक्षस कर रही। ओपी माँ शायद मैं मरूंगा कहीं ना। मेरे प्यारे राक्षस, तू आ मत जा बेटी। हुसैन, हुसैन ये क्या हुआ तुम्हें? देख कौन आया है, देख। हुसैन, 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 ये कुलसुम नहीं कुसुम है। हुसैन ये कुलसुम नहीं कुसुम है कुसुम। हमने इसका नाम इसीलिए शंकर हुसैन रखा है ताकि लोग हमसे इसकी वजह पूछें और हम बार बार इस वाकये को बयान करें, और जब यह परवान चल जाए तो ये लोगों को बताए कि इसका नाम ऐसा क्यों है। महान है आप इंसानियत का संगम है। हम आपके सामने सर झुकाते हैं। सत श्री अकाल। अब्बा जी आदाब। क्या नाम रखा है इसका? शंकर हुसैन। शंकर हुसैन,